हेलो, हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें, हम अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाएं, सो दैट हम वो चीज़ खरीद पाए जो हम खरीदना चाहते हैं, हम वो सारा सुख साधन पा पाए, हम दूसरों को हेल्प कर पाए, हम अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए और हमारा जिंदगी सिक्योर रहे, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसका जिंदगी सिक्योर रहे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम रिच हों, अमीर हों, मगर हम में से बहुत कम लोग ये हो पाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टॉप थ्री रीजन जिसके कारण लोग रिच नहीं हो पाते और उसका सलूशन। फर्स्ट रीजन है, लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि उनके अंदर वो सारी बातें हैं जिसके कारण वो भी रिच हो सकते हैं, मतलब लैक ऑफ बिलीफ। जब हम स्कूल जाते हैं, मान लीजिए अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जब हम स्कूल जाते थे तो हमने वहां देखा दूसरे सभी लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जब कॉलेज गए वहां पे भी वैसे लोग हैं, हमने उन लोगों को देखा ही नहीं जो बहुत रईस थे। ऐसे लोग हैं कलकत्ता में भी, आप ऐसे लोग देखोगे जो एक दिन में 25,000-30,000 होटल का भाड़ा लेकर एक होटल का रूम बुक करते हैं। अब ये जो लोग हैं जो एक दिन में उतना खर्च कर रहे हैं जितना शायद बहुत लोग एक महीने में कमाते हैं, उनका आखिर ऐसा सोच कैसे है? इनमें आखिर ये क्या स्पेशल बात है जो हमें नहीं है? नॉर्मल लोग ये सोचते हैं, एवरेज लोग ये सोचते हैं कि ये कैटेगरी अलग है, ये जो रिच कैटेगरी ये अलग है, इनका सोच अलग है, इनके पीछे पैकिंग अलग है, इनका नॉलेज अलग है और हम तो वैसा बन ही नहीं सकते, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। फर्स्ट रीजन ये है कि हम कभी ये सोच ही नहीं पाते और सोच भी लें तो हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि हाँ हम भी सचमुच बहुत रईस होने के काबिल है। सेकेंड, दूसरा रीजन ये है कि लोग सिक्योरिटी को कुछ जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, स्पेशली जॉब सिक्योरिटी। जब आपके पेरेंट्स ही शायद आपसे बात करें तो वो ऐसा कहेंगे कि बेटा तुम्हारा एक अच्छा सा जॉब लग जाए वही हमारे लिए बहुत है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पीयर प्रेशर है, सभी लोग, आप देखो सभी लोग आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जो स्कूल में, आपके जो कॉलेज में जो लोग थे, सभी लोग चाहते हैं कि एक ऐसा जॉब करना जिसमें अच्छा सैलरी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, और ये चीज पीयर प्रेशर के कारण आप पे भी आ जाता है और आपको लगता है कि हाँ सिक्योरिटी मतलब एक अच्छा जॉब करना, इनसिक्योरिटी मतलब अपना बिजनेस करना, जबकि हो सकता है आप यहाँ पे गलत हैं। इसके बारे में हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। थर्ड रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये शायद सबसे मुश्किल काम है। हमें से कई लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि हाँ ये बात तो सच है, मेरे अंदर भी वो सारी बातें हैं, मैं भी रिच हो सकता हूँ। हमें से कई लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाँ मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मैं भी अपना कुछ करूंगा, मैं भी कुछ अच्छा करूंगा लोगों के लिए और बहुत पैसे भी साथ में कमाऊंगा। मगर वहां पे बात आती है टाइम की, वक्त की, डिसिप्लिन। हमें लगता है कि ये चीज हम बाद में करेंगे, आज नहीं हम कल करेंगे, और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसके कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, अब हम जरा इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि हम कभी ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम भी उस काबिल हैं, हम भी उन लोगों के जैसा सारा काम कर सकते हैं, हम भी उतना पैसा कमाने का हमारे अंदर वो सारा काबिलियत है। मैं इसका एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप भगवान पे, अच्छा दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है कि आप भगवान पे विश्वास करते हो, एक आप नहीं करते, ठीक है। मान लेते हैं कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, और अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ क्या प्रोबेबिलिटी था कि आज का दिन आप देख पाते, आज आप जिंदा रहते, जरा समझिए। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बॉर्न हुए और आज वो मर चुके हैं, और वो सारे लोग आज आपकी जगह रहना चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता था इस दुनिया में शायद मर जाना, पर वो लोग मर चुके हैं क्योंकि उनका जो जिंदगी था वो खत्म हो चुका है। जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, शायद आपके पास बहुत तो अभी 20,000 दिन होगा। मान लीजिए आज मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ, उसमें मैं देख दे रहा हूँ 20,000 रुपए, और मैं कह रहा हूँ कि 20,000 रुपए ही आपको पूरी जिंदगी चलाना है, एक भी रुपए आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा फील होगा? आप एक एक रुपए कैसे खर्च करोगे? क्योंकि आपको पता है पूरी जिंदगी आप 20,000 से एक रुपए ज्यादा नहीं कमा सकते। तो वही सोचिए, वही आपकी जिंदगी है। भगवान ने आपको एक चेक दिया जिसमें लिखा हुआ है 20,000 डेज, 20,000 दिन, ज्यादा से ज्यादा शायद आप जिंदा रहो ऑन एन एवरेज। मेरा सवाल ये है कि अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते क्या चांस था कि आज का दिन आप देख पाते? चलिए जरा देखिए। फर्स्ट थिंग, मान लीजिए जब ये यूनिवर्स बना था, बिग बैंग हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी था कि बिग बैंग हो सकता था? शायद हाफ, या तो होता या तो नहीं होता, ठीक है। तो हाफ प्रोबेबिलिटी था कि बिग बैंग हो सकता था। क्या प्रोबेबिलिटी था कि बिग बैंग के कारण बहुत सारा गैलेक्सीज बनता, हमारा एक गैलेक्सी बनता जिसमें हमारा एक अर्थ जैसा एक प्लैनेट बनता? अगेन वो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें मैथमेटिकली, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, मगर वो बना। अर्थ पे
ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, मान लीजिए वाटर था, आयरन था, सो मेनी एलिमेंट्स वे देयर, टेम्परेचर वाज करेक्ट. अब ये एलिमेंट्स एक साथ एक बार मिले और ऐसा मिले कि एक सेल बन गया, सेल बन गया. और सेल की एक खास बात ये थी कि वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता था, वहां से एवोल्यूशन शुरू हो गया, वहां से लाइफ की शुरुआत हो गई. क्या प्रोबेबिलिटी था कि एक बंदर जैसा जानवर बनता? अगेन अगर आप देखें क्लोज टू जीरो. क्या प्रोबेबिलिटी था बंदर से इंसान बनता? वो इंसान हजारों हजारों साल से इंसान चला आ रहा है, करोड़ों साल से इंसान आ रहा है. क्या प्रोबेबिलिटी था कि आज आपको वो जिंदगी मिलता? क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों इंसान बन चुके हैं, वो मर भी चुके हैं, जो आपकी जगह आज मिलना चाहते हैं. अगर आप ये देखें तो आप समझ जाएंगे ये जो 20,000 दिन का आपको जो चांस मिला है, भगवान ने दिया है ना, इसका प्रोबेबिलिटी जीरो था. मतलब आज आप इस दुनिया में हो, ये अपने आप में एक मिरेकल है. आपने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जो करोड़ों लोग जो जमीन के अंदर आज सो रहे हैं ना, वो सभी लोग करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, मगर आप कर पाए और आज आप जिंदा है. आज आप कुछ साल जिंदा रहेंगे, कुछ दशक आप जिंदा रहेंगे, तो क्यों नहीं आप ये बात समझ पाते? आपने एक इतना बड़ा मिरेकल कर दिया, आपने इतना बड़ा लॉटरी जीत कर आप आ चुके हैं, तो ये छोटा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो काम जरा आसान हो जाता है. जरा ये सोचिए, मान लीजिए कि आप एक टीवी खरीद लो, टेलीविजन खरीद लो, तो आप गए आपने एक सोनी का टीवी खरीद लो. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सोनी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इनका क्वालिटी, ये शायद 1 लाख टीवी बनाती होगी तो 1 टीवी में डिफेक्ट होता होगा, कि वही क्लियर की नहीं अच्छी कंपनी है, मैं तो सोनी का खरीदूंगा, बिकॉज दे मेक वेरी गुड प्रोडक्ट्स, इनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है. आप जरा इस दुनिया के बारे में सोचिए, इस दुनिया में जो सिस्टम है, अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेकर देखना चाहें, एक एक एटम को आप देखें, तो इतने सारे एटम्स हैं, काउंट करना पॉसिबल नहीं है. एक एक एटम इस दुनिया में अपना सही काम कर रहा है. कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा ही नहीं जो प्रोटॉन से जा रहा है, एटम फैल जा रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा. एक एक चीज हर जगह सही काम कर रहा है, और इतना कुछ सही काम कर रहा है तो इसको बनाने वाला आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा? आखिर इसको बनाने वाले का ब्रांड वैल्यू क्या होगा? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मान लीजिए अगर आपको मैं घड़ी दिखाऊं, मान लीजिए आपको वॉच में एक रिस्ट वॉच पहना हुआ, अगर मैं आपको एक घड़ी दिखाऊं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि द फैक्ट कि ये घड़ी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि किसी ने इसको बनाया होगा. मतलब कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इसको बनाया, या कोई ऐसा चीज है जो एग्जिस्ट करता है जिसने इसको बनाया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, खुद से नहीं बन सकता. फिर से अगर घड़ी ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये प्रूफ हो गया कि कोई इसको बनाने वाला क्रिएटर है, तो अगर इस दुनिया जैसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो ये भी एक प्रूफ हो गया इसको बनाने वाला कोई एक भगवान है, चाहे वो जो भी भगवान है, और वो जो भी भगवान है उनका क्वालिटी क्या होगा, उनका ब्रांड वैल्यू क्या होगा? आप जरा ये सोचो कि जब आप एक सोनी का टीवी खरीदते हो तो आप बोलते हो हाँ ये टीवी परफेक्ट होगा, ये सोनी का टीवी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बाकी सोनी का टीवी है. तो जिस भगवान ने आपको बनाया, क्या उसने आपके अंदर इतनी सारी खामियां डाल दी, आपके अंदर इतनी सारी गलतियां कर दी? क्या उस भगवान ने जब आपको बनाया आपके अंदर इतनी सारी कमी डाल दी कि आप रईस नहीं बन सकते, कि आज आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं? ऑब्वियसली. तो एक बात जरा आप समझिए, द फैक्ट कि आज आप जिंदा हैं, यही सबसे बड़ा मिरेकल है कि आज आप इस दुनिया को देख पा रहे हो. क्योंकि कुछ साल बाद वो दिन आएगा जब आपसे, आपके हाथ से ना ये गिफ्ट छीन लिया जाएगा, और तब आपको लगेगा कि आपके पास कितना पावरफुल चीज था, आपके पास कितना बड़ा गिफ्ट था जो आपने वेस्ट होने दिया. इसको वेस्ट मत होने दीजिए. अगर आपने कोई सपना देखा है ना, उसको वैसे देखिए, आप उसको वैसे जिए. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, डेली उसके लिए काम करें, तभी जाके जब आप शायद जाने लगोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने ट्राई तो किया कम से कम, तब आपको खुशी महसूस होगा, तब आप दुख नहीं रहोगे. सो नेवर बी लाइक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी बातें बोलते हैं. जब आप बॉर्न हुए थे, जब मैं बॉर्न हुआ था ना, तो हम एक जैसे एक फ्रेश कंप्यूटर होते हैं, अनफॉर्मेटेड वैसे थे. हमने अपनी आंखें खोली तो वहां से डेटा आना शुरू हो गया, हमने अपना कान खोला तो वहां से डेटा आना शुरू हो गया. क्या डेटा आया? जो लोगों ने सिखाया. तो जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे, जो मान लीजिए मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों ने हमें जो सिखाया, वही हमने सोचा यही जिंदगी है, यही लाइफ है. अगर कल को आप अंबानी के घर पे बॉर्न हुए होते, मान लीजिए 3 भाई होते अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, और आप भी अगर उसके 3rd भाई होते ना, तो आपके दिमाग में वो अलग डेटा जाता, आपके दिमाग में एक अलग बिलीफ जाता, और आप ये सोचने लगते कि नहीं मुझे तो रईस होना ही, मैं तो कभी मिडिल क्लास हो ही नहीं सकता, है ना. ये जो सोच है, ये सोच बहुत सारा सोच आपके अंदर जो आज है, आप बहुत सारी चीजों में जिसमें विश्वास करते हैं, वो आपने चूज नहीं किया, वो आपके एनवायरनमेंट से आया है. आप किसी दूसरे जिंदगी में, सॉरी किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आज आपका सोच अलग है. मान लीजिए अगर आपको आज, मान लीजिए अगर आप बंगाली और आपको फिश खाना, मछली खाना बहुत पसंद है. ऐसे लोग हैं जिनको फिश खाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो वेजिटेरियन है. दोनों में फर्क क्या है? आपको पसंद है, उनको पसंद नहीं है. फर्क ये है कि आपको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि आपको पसंद है, आपको इसलिए पसंद है क्योंकि जब आप अपने फैमिली में बॉर्न हुए तो वहाँ पे अलग अलग तरह से मछली पकाए जा रहे हैं, आपको खिलाए जा रहे हैं,
आपके एनवायरनमेंट से वो चीज उठ के आपको आ गया। अगर आप किसी गुजराती फैमिली में होते, मान लीजिए आप किसी मारवाड़ी वेजिटेरियन फैमिली में होते, तो आपको फिर मछली कभी पसंद आता ही नहीं। तो ये बात आपको समझना है कि आज आप जो आपको जो चीज पसंद आ रहा है, आपको जिस चीज पे विश्वास है, शायद वो आपने चूज नहीं किया। आप चूज ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर आप चाहते हो बहुत पैसे कमा लेना, तो अगर आपके आपको ये फीलिंग हो रहा है कि आप नहीं कमा सकते, तो वो शायद इसलिए हो रहा है कि दूसरों ने ऐसा कुछ बोला होगा। शायद आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया कि बेटा एक जॉब ही कर ले, तुम्हारे लिए वही बहुत है, कि आई डोंट एक्सपेक्ट मोर। तो अगर दूसरे लोग ही आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे रिच लोगों को जानोगे ही नहीं, जिंदगी में कभी देखोगे नहीं, तो होगा क्या? आपको भी लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। एक बात विश्वास करिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ, और यस आप कर सकते हैं, ये बात सोचिए। सेकेंड चीज जिसके कारण लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे वो था टू मच डिपेंडेंस ऑन सिक्योरिटी। लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छा जॉब करने का मतलब सिक्योरिटी है। काफी हद तक मैं कहूंगा शायद ये बात सच है, मगर आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि आज की डेट में बहुत कम जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है। बहुत कम जॉब्स ऐसे हैं जो आपको इतना पैसा दे सकते हैं, जिस पैसों का सेविंग्स करके आप अपना एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान कर सके। बहुत कम जॉब्स ऐसे हैं जिसमें इतना पैसा आपको मिलता है कि आज आप अपना सारा खर्च चला पाओ और इतने पैसे बचा भी पाओ कि आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कर पाओ। सिक्योरिटी किस तरीके से? सिक्योरिटी एक तो है कि आज का सिक्योरिटी, दूसरा है फ्यूचर का सिक्योरिटी। अगर आप आज का सिक्योरिटी, अगर आप एक दो दिन आगे का सिक्योरिटी देखोगे, हाँ जॉब बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छा है, आपको हर महीने के पता है कि पहले हफ्ते में आपको सैलरी मिल जाएगा। पर अगर आप 10 साल बाद का देखो, अगर आप 20 साल बाद का देखो, तो बिजनेस करना काफी ज्यादा सिक्योर है। आप एक बिजनेस में 5 साल में इतने पैसे कमा सकते हो जितना शायद आप पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। एक बात आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन सैलरीज। कोई भी कंपनी अगर का कंपनी का मालिक है ना, वो अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तभी जाके आपको अच्छा सैलरी देगा। उसका प्रॉफिट अगर 10 लाख होगा तब जाके वो आपको 1 लाख सैलरी देगा। मतलब ये कि अगर आप बहुत मेहनत करके काम कर रहे हो तो भी शायद आपको उतना नहीं मिल सकता जितना आप डिजर्व करते हो एज लॉन्ग एज आप अपना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर आप अपना काम करो तो यस डेफिनेटली यू कैन गेट व्हाट यू डिजर्व। पैसे के बारे में एक और बात बताओ, मान लीजिए कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप सुबह एकदम ऑफिस में जाते हैं, रात भर काम करके वापस आते हैं। सवाल ये कि ये जो हार्ड वर्क जा रहा है इसका फायदा किसको हो रहा है, आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो? अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप जितना मेहनत करोगे इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा कंपनी को। मतलब मेहनत आपने लगाई, फायदा कंपनी को। सो यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी। आपने पैसे कमाए, जब आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो क्योंकि आप सैलरी लोगे, गवर्नमेंट तो सीधा आपसे टैक्स काटेगा। ज्यादा पैसे हो गए, मान लीजिए 30% टैक्स काटेगा। मतलब ये कि आप जो सुबह जा रहे हो, शाम को आप लेट से घर आ रहे हो, आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? पहला कंपनी, दूसरा फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहा है, तीसरा मान लीजिए आप बहुत मेहनत करके आप एक लोन ले रहे हो और घर खरीद रहे हो। जब आप लोन ले रहे हो घर खरीद रहे हो तो आपको ये बात अगेन समझना पड़ेगा कि आप सुबह से शाम काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है बैंक को। जब आप लोन चुका रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता ही है। अगर आप अपना जॉब करोगे तो शायद ये तीन प्रॉब्लम्स आपको ना आए। जब आप अपना जॉब करोगे तो आप कंपनी के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, बैंक के लिए नहीं, आप अपने लिए कमाओगे और वहां पे आप इतना पैसा कमा सकते हो जो आपको आपको तो पूरा सिक्योरिटी देगा ही, आपका तो फ्यूचर, आपका तो रिटायरमेंट प्लान को सिक्योर करेगा ही, आपके आने वाले जनरेशन को भी वो बहुत सिक्योर कर सकता है। तीसरा रीजन जिसके कारण लोग सक्सीड नहीं कर पाते हैं वो मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि कुछ आदतें खराब होती हैं, कुछ आदतें अच्छी होती हैं। पहला एक सिंपल या एक एक, एक सिंगल अगर डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है तो शायद वो होगा कि आपको काम को टालना बंद करना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप। फिर इसके अलावा आपको और भी बहुत सारा हैबिट्स बनाना पड़ेगा, अच्छे हैबिट्स बनाने को। फॉर एग्जाम्पल एंगर मैनेजमेंट जरा आपको सीखना पड़ेगा, गुस्सा आप नहीं कर सकते अगर आपको सक्सेसफुल होना है। दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देना पड़ेगा, लोगों को कंप्लेन करना जरा कम करना पड़ेगा या कमती करना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल थिंग्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, खर्चों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब आप जब करने जाओगे ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। मान लीजिए आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप जब पहली बार कॉम्प्लीमेंट करने जाओगे, पहली बार किसी को मान लीजिए आप सॉरी बोलने जाओगे ना, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको शायद इतना हिम्मत ना मिल पाए। बट सभी चीजों के साथ यहाँ भी वही रूल अप्लाई करता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज करने जाओ ना मुश्किल होता है, बट एक बार आपने कर लिया, पहली बार जब आप करोगे तो आपको पहले तो ये फीलिंग होगा कि उतना मुश्किल नहीं था। सेकंड टाइम जब आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये तो आपने पहले किया हुआ है, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। थर्ड, फोर्थ, पांच, 10 बार आप जब करोगे ना वो आपकी हैबिट बन जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा।
तो आप क्या करो ना, जो खराब चीज है, मान लीजिए कोई आपको गुस्सा जल्दी आता है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप डिसाइड करो कि कोई मुझे गुस्सा दिला, मैं गुस्सा नहीं होगा। एक बार आप ऐसा कर लोगे, एक बार आप खुद पे कंट्रोल कर लोगे, तो सेकेंड टाइम आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने किया हुआ है। सो आप कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा और आप वो कंट्रोल बेहतर कर पाओगे, अपना हैबिट्स को ठीक करें। अगर आप थिंग सिंपल थिंग्स लाइक अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने, समझे या ना समझे, इंसान को वैसा बनाया गया। फिजिकली अगर आपको फिट रहना है तो जब अंधेरा हो जाए, ज्यादा रात हो जाए, आपको सोना चाहिए, और जैसे ही सूरज का पहला रोशनी है आपको जाग जाना चाहिए। दिस इज वॉट हैज बीन फॉर जनरेशन एंड जनरेशन एंड जनरेशन, मतलब करोड़ों साल से हम बल्ब वगैरह लाइट वगैरह इतने साल से नहीं बने थे। जब ये बन गया, हमारा एनवायरमेंट चेंज कर गया, तो आज ये इंसान के लिए ना ये दुनिया फिट नहीं है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, आज इस पोल्यूशन में रहते हैं, हमारे हेल्थ के लिए फिट नहीं है। हम लोग इसके हिसाब से इवॉल्व, हमारा एवोल्यूशन वैसा नहीं हुआ है। मतलब ये कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, खाने के ऊपर कंट्रोल करना, हेल्थ का ध्यान रखना, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्दी नहीं रहोगे तो आप फिर अच्छा काम कैसे करोगे। प्लस लाइक अदर थिंग्स, जैसे मैंने कहा, दूसरों के साथ डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। रिलीजन में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में, अगर कोई पॉलिटिक्स में मान लीजिए बुरा बोल रहा है, किसी को अच्छा बोल रहा है ना, तो इतना आपके पास होना चाहिए कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा, आई हैव बिगर बेटर मच बेटर थिंग्स टू डू। ये डिसिप्लिन वाली बात है। डिसिप्लिन में दो चीज मैं आपको दोबारा बता दूँ, एक तो मैंने पहले कहा कि हाँ पहली बार करोगे तो टफ लगेगा, बट आप दो तीन बार करोगे तो वो कोई भी काम हो आसान लगेगा। दूसरा एक और बात बता दूँ कि आप बहुत सारे काम करने जाओगे ना, आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको करने में मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा क्यों करूँ। इंटरेस्ट और नॉलेज का बहुत क्लोज रिलेशन है। अगर आपको कोई बहुत अच्छे से किस चीज़ के बारे में सिखा दे, मान लीजिए आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, आपने गोल्फ के बारे में कभी सोचा नहीं, अगर आप किसी गोल्फ क्लब के सामने रहते हैं, आपके फादर गोल्फ में होते हैं, कोई आपको बहुत अच्छे से गोल्फ के बारे में सिखा देना, फिर आप बोलोगे वाह गोल्फ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर आपको शायद क्रिकेट उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, जबकि अभी उल्टा होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जो इंसान को इसके बारे में जानकारी ही नहीं, नॉलेज नहीं, उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और जिस चीज़ में उसका नॉलेज है वो उसको इंटरेस्टिंग रहता है। तो क्या है कि मान लीजिए आप अगर बंगाल में रहते हो तो यहाँ पे जो चीज़ होता है, यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है आपको उसी में इंटरेस्ट आएगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको अपने नॉलेज को चेंज करना है, आपको वो सारा नॉलेज अपने अंदर डालना है जो आपको ऑर्डिनरी से चेंज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे, जिस नॉलेज को लेकर के आप फ्यूचर में बहुत आगे जा पाए, लाइफ में एक अच्छा नाम कमा पाए और बहुत पैसे कमा पाए। वो नॉलेज लाने के लिए फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो एक तो टफ लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, पर जैसे से आप उस चीज में डीप जाओगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जैसे से आप उस फील्ड में जरा डीप जाओगे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अपना प्रोफेशन का चॉइस गलत कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं कंप्यूटर्स मुझे पसंद था और मान लीजिए मैंने कॉलेज में क्या किया, मैकेनिकल ले लिया। अब क्या होता है कि क्योंकि मैंने 4 साल मैकेनिकल की पढ़ाई की ना, मेरा उस पर नॉलेज आ गया, मुझे लगता है नहीं मुझे मैकेनिकल में ही काम करना, जबकि मेरा असली इंटरेस्ट शायद कहीं और था। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक ही काम करते हैं और उनको लगता है कि यही काम शायद है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप जब तक शायद 10 तरह का काम नहीं करोगे तब तक आप बोल कैसे सकते हैं कि यही काम मेरे लिए बेस्ट है। जिन लोगों ने अगर एक ही तरह का काम किया है, मान लीजिए अगर आपने बिजनेस ही ट्राई किया, आपने एक ही तरह का बिजनेस ट्राई किया, आपने दूसरा ट्राई नहीं किया, तो आप कैसे बता सकते हो कि आपको ये बिजनेस पसंद है, आपके बिजनेस पसंद है, आप कैसे बता सकते हो कि ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। तो आप क्या करो, जरा सा नॉलेज बढ़ाओ, जरा सा अपने आंखों को खोलो, जरा सा अपना स्कोप को बढ़ाओ और देखो दुनिया में क्या क्या चीज़ है। ट्रैवल करो, बुक्स पढ़ो, सीखो, देखो, आप बहुत सारी चीज़ सीखोगे ना, तो एक ना एक कोई चीज़ आपको ऐसा मिल ही जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जो आपको करने में एक तो इंटरेस्ट आ रहा है, जो आप जितना करें आपको उतना मजा आएगा, वो आपके लिए वर्क नहीं, वो आपके लिए प्ले है, और जिसको करने से आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। ये करने से पहले आपको जरा सा कुएं से बाहर निकल के, होता है ना कि नहीं कुएं का मेहनत कहते, तो कुएं का मेहनत आपको कुएं से बाहर निकल के देखना है कि कितना सारा स्कोप है, और जरूर एक ना एक ऐसा चीज़ आपको पक्का मिल जाएगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप यू गेट रिच वेरी सून।